हेलो दोस्तों, तो सीके जोरा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो पिछले साल एसएससी जीडी में कितने फॉर्म आए थे और कितनी कट ऑफ गई थी और कितने कैंडिडेट अपेयर हुए थे एग्ज़ाम में और कितनी वैकेंसी थी, और 2025 में जो अभी अभी फॉर्म आए हैं और जो अभी जो साइट है वो बंद हो चुकी है जीडी की 14 तारीख को, और कितने फॉर्म आए हैं और कितना कंपटीशन हो सकता है। तो मैं ये सभी जानकारी आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं 2018 में आप देख सकते हैं कि जो 52 लाख टोटल फॉर्म आए थे और 60 हज़ार टोटल वैकेंसी थी और कंपटीशन 86 रहा था एक सीट पे, और टोटल जो प्रेजेंट रहे थे 30 लाख रहे थे। ठीक है, तो इसका 50% फिक्स, 50 से लेके 60% के समथिंग, ठीक है, प्रेजेंट रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि जो 2021 है इसमें 71 लाख फॉर्म आए थे 25 हज़ार वैकेंसी पर, क्योंकि लोगों ने समझा कि 2021 में भी अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी, तो 25 हज़ार वैकेंसी रही थी तो कंपटीशन बहुत हाई हो गया था। तो आप देख सकते हैं 283 एक सीट पे 283 कैंडिडेट रहे थे और 39 लाख प्रेजेंट रहे थे। और आप देख सकते हैं कि 2022-23 में 54 लाख फॉर्म आए थे 50 हज़ार वैकेंसी थी और बहुत कम कंपटीशन हो गया था, क्योंकि लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और भाई ये सोचा कि जो वैकेंसी है वो कम ही रहेंगी, तो 25 लाख प्रेजेंट रहे थे। और आप देख सकते हैं कि 2024 में 47 लाख फॉर्म आए थे 47 लाख 50 हज़ार के समथिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो 46,600 वैकेंसी थी टोटल, क्योंकि पहले बहुत कम वैकेंसी थी लेकिन बाद में बढ़ गई थी, 46,000 हो गई थी, 26,000 थी पहले। तो जो अपना कंपटीशन रहा वो 101 पर सीट के हिसाब से रहा अपना कंपटीशन, 31 लाख लोग प्रेजेंट रहे थे तो कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई थी। तो अब जो अभी फॉर्म आए 2024-25 के, जो 25 में फॉर्म, जो फॉर्म की एग्ज़ाम डेट आएगी 25 में एग्ज़ाम लगेगी, तो उसके आप देख सकते हैं कि जो 2025 का जो 46 से 47 लाख फॉर्म आए हैं और 39,000 वैकेंसी टोटल, तो उस हिसाब से अपने एक पर कंडी पर जो सीट है उस हिसाब से 115 कैंडिडेट रहेंगे पर सीट पर, ठीक है। तो कंपटीशन इस हिसाब से पहले के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये मान के चलो, अभी देखो मैं आपको ये बताता हूँ, देखो जैसे 46 से 47 लाख, ठीक है, अभी फॉर्म आए हैं ना, तो ये मान के चलो 65% के समथिंग अगर टोटल अपनी प्रेजेंट रहती है, और उसके बाद जो 65% कितना हो रहा है ये मान के चलो 31 लाख, 31 लाख, ठीक है, तो 31 लाख टोटल हो रहा है। तो ये मान के चलो जो अपना कंपटीशन है वो अभी तो 115 रह रहा है, लेकिन अभी क्या है वैकेंसी बढ़ सकती है, तो 50 हज़ार प्लस वैकेंसियाँ जा सकती है, ठीक है, 50 हज़ार प्लस वैकेंसी। तो उस हिसाब से अपना जो कंपटीशन है वो बहुत डाउन चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 115 हो रहा था, तो ये मान के चलो जो अपना कंपटीशन है वो हो जाएगा 60 से 70 के समथिंग। तो जो 2024 में जो अपना आया था 2024 में 101 के समथिंग जो कंपटीशन था, तो ये जो कंपटीशन है वो बहुत कम हो जाएगा अगर इतनी जाती है तो। 25 मतलब ये मान के चलो अभी 40 हज़ार वैकेंसी आई है, तो वैकेंसी तो बढ़ेंगी 10 हज़ार के समथिंग, कम से कम ये मान के चलो 50 हज़ार के समथिंग होंगी। तो 60 से 70 के अंदर पर सीट के हिसाब से कैंडिडेट लेंगे, तो जो टोटल अपना जो बढ़ेगा कंपटीशन वो एकदम घट जाएगा बढ़ने की जगह, ठीक है। तो यदि इतनी रहती है तो 115 के हिसाब से बढ़ जाएगा अपना कंपटीशन, हाई कट ऑफ जाएगी। लेकिन अभी क्या है वैकेंसी बढ़ने के चांसेस है पिछली साल की तरह, बढ़ सकती है इस बार भी, तो ये मान के चलो जो कंपटीशन है इतना हो जाएगा। तो दोस्तों तैयारी में लग जाओ, और जिसने भी अभी तक जिसका भी कोई करेक्शन रहा है या फिर किसी ने गलती कर दी है, तो वो डोंट वरी, अभी 30 तारीख के समथिंग अपने दोबारा जो करेक्शन के वो डेट आएगी आ चुकी है वैसे तो, और उसमें आप जाके भर सकते हैं करेक्शन की। और भाई तैयारी में लग जाओ, आने वाली है अब एग्ज़ाम, एग्ज़ाम की भी डेट आ जाएगी क्योंकि अगले साल होने वाली है एग्ज़ाम। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।